हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लेखनाथ प्रजापत और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि CSIR, NET, JRF, GATE, TIFR, BARC, IIT JEE, NEET, इन सभी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के सॉल्यूशंस हम यहां पर करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि CSIR, NET, JRF, GATE, IIT, NEET इन सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। टू सेमी इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन मीट एट राइट एंगल। हमारे पास में दो सेमी इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन है जो कि राइट एंगल पे मिल रहे हैं। इन द रीजन, किसी रीजन में बिटवीन देम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड। उनके बीच में कोई पॉइंट है जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। फर्स्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। हमें प्लस क्यू चार्ज का जो फोर्स कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन, और हमें एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन जो है यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन भी बना रहा हूँ। ये हमारे पास में जो है इसका फर्स्ट जो है ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन होगी, ठीक है फ्रेंड। और दूसरी जो ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन है वो मैं यहीं ले लेता हूँ इसके बगल में, और इसके साथ जो उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री बनना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये दूसरा ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन ले लिया और 90 डिग्री एंगल बनने के लिए ये मैंने इसको 90 डिग्री पे इसको जो इसके साथ मिला दिया इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास में प्लस क्यू चार्ज जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर प्लेस किया गया है। तो मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर दिया इन दोनों के बीच में कहीं, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, आपके पास में ये जो है सेमी इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन है, यानी कि इस तरीके से जो है ये लार्ज है। इनका एक एंड पॉइंट तो आपको नॉन है जो कि ये रहा, और दूसरा जो एंड पॉइंट वो आपको दोनों का ही नॉन नहीं है फ्रेंड। इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर इमेज चार्ज कॉन्फिगरेशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, इमेज चार्ज कॉन्फिगरेशन में यहां पर आपके पास में जो चार्ज है, इस चार्ज की इन दोनों आपके पास में कंडक्टिंग प्लेन से जो है इमेज बनेगी, और इमेज जो बनेगी उन इमेज का नंबर यानी कि कितनी बनेगी इमेज, इसका हमें पता करने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास में जो प्लेन है वो जिस एंगल पर रखे गए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास में 90 डिग्री एंगल पर ये दोनों प्लेन जो रखे गए, ठीक है। तो फॉर्मूला यह है कि नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास में है, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करेंगे हम इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। हाँ, यहाँ पर आप देखते हो कि दोनों ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1। इसका हमें आंसर मिलेगा फ्रेंड 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पास में जो इमेज जो आपके पास में चार्ज बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी, उसके नंबर कितने होंगे, 3 नंबर आपके पास में होंगे, यानी कि 3 यहाँ पर आपके पास में इमेज बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 इमेज बना दी। एक इमेज मैंने यहाँ बना दी, एक इमेज मैंने यहाँ बना दी, और एक इमेज मैंने यहाँ बना दी। ये मैंने 3 इमेज यहाँ पर बना दी फ्रेंड। बात करते हैं इन इमेज चार्ज के आपके पास में नेचर की। तो देखिए, नेचर के लिए आपके पास में ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक ये है कि आपका जो मेन जो ओरिजिनल चार्ज जो है उससे चाहे आप क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, दोनों ही डायरेक्शन में आप जो है अल्टरनेटिव जो है चार्ज के नेचर को पुट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में ये जो मेन चार्ज है पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो आपके पास में अल्टरनेटिवली अगर आगे चलते हैं तो सिक्वेंस में आप क्लॉकवाइज में देखिए आपके पास में ये वाला चार्ज आ रहा है, तो इसका आप जो है मैग्नीट्यूड आपके पास में जो है क्यू है, और नेचर इसके आप कर दीजिए नेगेटिव। अल्टरनेटिव से हमने इसको बदल दिया है। अब अगला जो आपके पास में चार्ज है वो ये वाला है। अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो ये वाला चार्ज जो है पॉजिटिव होगा, एंड आगे आपके पास में क्लॉकवाइज चल रहे हो आप, देन पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव आएगा, एंड नेगेटिव के बाद में फिर से जो है पॉजिटिव आ गया इस तरीके से। तो ये ट्रिक रहेगी, चाहे आप काउंटर क्लॉकवाइज जाएं या फिर क्लॉकवाइज जाएं, दोनों ही डायरेक्शन में आप जो है इस ट्रिक को यूज करते हुए चार्ज के नेचर को लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब मान लीजिए हमने जो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो यहाँ पर प्लेस किया है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है इस ग्राउंड आपके पास में जो कनेक्टिंग प्लेन है इसे मान लीजिए कि ये डी डिस्टेंस में है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है हमने डी ले ली। एक बार के लिए हमने इसको डी सपोज कर लिया है, देन इमेज चार्ज की भी जो है इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो भी स्मॉल डी होगी, यानी कि आपके पास में इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हो चुकी है 2D, ठीक है फ्रेंड। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी 2D होगी, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी 2D होगी, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी 2D होगी, यानी कि ये एक आपके पास में स्क्वायर जो यहाँ पर बन चुका है जिसकी साइड जो है वो 2D है। फ्रेंड, हम बात करें इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस की, तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है यहाँ पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर की अगर साइड ए है, तो उस स्क्वायर की साइड ए होने पर जो उसका डायगोनल होता है, जो उसका विकर्ण होता है, उसकी साइड जो होती है वो होती है रूट ऑफ 2a। तो यहाँ पर आप देखिए साइड 2d है, तो यहाँ पर इसका जो आपके पास में विकर्ण है या जो डायगोनल वो आपके पास में हो जाएगा रूट ऑफ 2, एंड ए की जगह में आप पुट कर देंगे इसकी साइड 2d, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज, यानी चार्ज
पॉजिटिव क्यू जो चार्ज है इस पर हम फोर्स की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस पर आपके पास में तीन चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, एक ये और एक ये। तो देखिए सबसे पहले इस वाले चार्ज की बात करते हैं, तो नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से जब पॉजिटिव क्यू चार्ज पर हम फोर्स की बात करेंगे देन मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे यहाँ पर कूलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसे के क्यू एंड क्यू। यहाँ पर मैंने ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास में 2d है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और डायरेक्शन देखिए यहाँ पर दोनों चार्जेस जो है नेचर में अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी कि कहने का मतलब जो नेगेटिव क्यू चार्ज है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये वाली डायरेक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं नेगेटिव आई कैप, ये हम यहाँ पर डायरेक्शन ले रहे हैं। ये वाली डायरेक्शन जो है हम पॉजिटिव आई कैप लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में हम डायरेक्शन लेंगे यहाँ पर जे कैप, और डाउनवर्ड में हम इसे लेंगे माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है फ्रेंड, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव आई कैप, इन दोनों चार्जेस की वजह से आपके पास में ये फोर्स हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले फोर्स की, जो कि आपके पास में इस वाले नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, यानी कि ये के क्यू स्क्वायर अपॉन, आप अगर इस 2d स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4d स्क्वायर आपके पास में ये बन जाएगा, ठीक है 4d स्क्वायर बन जाएगा। और डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ आपके पास में नेगेटिव ऑफ जे के पर लिखेंगे इसे। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं यहां पर तीसरे चार्ज की वजह से फोर्स की। देखिए दोनों चार्जेस आपके पास में जो है यहां पर सेम नेचर के होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगने का मीनिंग है कि ये वाला पॉजिटिव क्यू चार्ज इस वाले पॉजिटिव क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है फ्रेंड, अब इस डायरेक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है, ये एंगल आपके पास में बन गया यहाँ पर 45, देन ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप कॉस 45 यानी कि 1/√2 एंड प्लस जे कैप साइन 45 यानी कि आपके पास में हो जाएगा ये √2। तो इसे आप डायरेक्शन को लिख सकते हो। सिमिलरली जो डायरेक्शन हमें मिली है ये मिली हमें आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, ये डायरेक्शन आपके पास में है ये वाली। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर यूज में लेंगे। तो मैग्नीट्यूड देखिए सबसे पहले के, दोनों चार्जेस आपके पास में सेम है, देन के क्यू स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए 2√2d है, इसका स्क्वायर कर देंगे, देन स्क्वायर करने पर वैल्यू मिलेगी हमें 8d स्क्वायर, और डायरेक्शन आपके पास में है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। ठीक है फ्रेंड, अब इन दोनों तीनों फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट फोर्स अगर फाइंड कर लें तो हमें जो है चार्ज पॉजिटिव क्यू पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें नेट फोर्स मिल जाएगा यहाँ पर इन दोनों तीनों का अगर आप जो है वैक्टर सम कर लेते हैं। तो वैक्टर सम के लिए देखिए नेट फोर्स एफ नेट वैक्टर, यहाँ देखिए जो आपके पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर वैल्यू है, ये कॉमन है सभी में आपको दिखाई देगी ये वाली वैल्यू, यहाँ से नेगेटिव आई कैप कॉमन आ जाएगा, और आगे वाली टर्म से नेगेटिव जे कैप कॉमन आ जाएगा, और उससे भी आगे वाली टर्म से आपके पास में कॉमन आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2√2, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए आई कैप प्लस जे कैप को भी कॉमन ले सकते हैं, देन नेट फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर इसे लिखते हैं 1/√2 प्लस 1 एंड आई के प्लस जे के को आप कॉमन ले लीजिए, देन ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपके पास में साइन जो है नेगेटिव आएगा, ये -1 आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे कॉमन लोगे आई के प्लस जे के को तो यहाँ पर -1 आपको कॉमन मिलेगा, तो इस साइन का ध्यान रखना है यहाँ पर -1 है ये। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके पास में वेक्टर की फॉर्म में जो हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज पर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं हम। एफ वेक्टर आपके पास में जो अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है कि उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए और उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए और दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। तो ऐसा करके जो हम इजीली जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे उसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको आप अगर फाइंड करते हैं तो देखिए आप इसको करेंगे तो ये आपके पास में स्क्वायर में जाएगा और स्क्वायर रूट जब इसका दोबारा होगा तो सेम आपको वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको सेम सिमिलरली मिल जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। और इसका भी देखिए पहले आप स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट करेंगे, देन आपके पास में सेम वैल्यू आपको फिर से मिल जाएगी 1/√2 -1। यहाँ देखिए यहाँ कोफिशियंट आपके पास में 1 और 1 है, तो इन दोनों को आपके पास में जो है वैल्यू मिलेगी √2 मिलेगी। देन इस √2 को जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए √2/√2 -√2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, देन ये वैल्यू कुछ आपके पास में आ जाएगी 1/√2 -√2। तो यहाँ पर इसे आप जो है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास में मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फ्रेंड बात करते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, क्योंकि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एनर्जी ऑफ दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन।
तो यहाँ पर हम एनर्जी फाइंड करेंगे चार्ज कॉन्फिग्रेशन की। तो देखिए एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू डी, क्योंकि हम जो है इन्फिनिटी से यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज को जो है डी डिस्टेंस पर ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन के से जो है डी डिस्टेंस पर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटी से डी यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे और फोर्स का जो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे जो है डी आर वेक्टर के साथ। अब डी आर वेक्टर आपके पास में यहाँ पर दो तरह की डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन आपके पास में आई कैप है और दूसरी डायरेक्शन जो है हमारे पास में जे कैप है। तो ये वैल्यू आपके पास में कुछ इस तरीके से जो है लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू डी एफ वेक्टर डॉट डी एक्स आई कैप प्लस नेगेटिव फिर से इन्फिनिटी टू डी एफ वेक्टर डॉट डी वाई जे कैप, इसे हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिया है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिलेगी आपको E इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू डी। देखिए ऊपर देखिए हमने जो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है उस फोर्स की वैल्यू में से आप जो है फाइनली सिर्फ यहाँ पर जो है जो आई कैप का कोफिशियंट है उसको निकाल लीजिए और आपके पास में ये जो डी स्क्वायर है ये आपके पास में डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आप इसको जो है एज जैसे मान लीजिए एक बार के लिए आप इसे एक्स सपोज कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आकलन कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर डी स्क्वायर एंड वन अपॉन टू रूट टू माइनस वन। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर जो है डी स्क्वायर को यहाँ पर एक्स स्क्वायर सपोज कर लेंगे एक बार के लिए, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। सिमिलरली आगे वाली टर्म आएगी इन्फिनिटी टू डी के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर, इस वाले को हम यहाँ वाई स्क्वायर सपोज कर लेंगे डी स्क्वायर को, बाकी सभी जो टर्म है वो सेम है, यहाँ आ जाएगा डी वाई। तो देखिए इंटीग्रेशन कीजिए तो डी एक्स का वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स, और ये वाला माइनस जो इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर एंड ये वाली वैल्यू यानी कि वन अपॉन टू रूट टू माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में। अब देखिए वन अपॉन एक्स में जब आप लिमिट पुट करेंगे डी तो वन अपॉन डी हमें यहाँ मिलेगा और इन्फिनिटी पुट करेंगे देन वन अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, देन ये आपके पास में एक्स कंपोनेंट की वजह से आ गया और वाई कंपोनेंट की वजह से भी सिमिलरली आपके पास वैल्यू मिलेगी आपको वन अपॉन टू रूट टू माइनस वन के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, देन इसको फिर से जो है डबल कर लीजिए क्योंकि ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा टू के क्यू स्क्वायर, एक्चुअल में यहाँ पे फोर भी आएगा अपॉन फोर डी एंड वन अपॉन टू रूट टू माइनस वन, टू से आप फोर को कैंसिल कर लीजिए के क्यू स्क्वायर अपॉन टू डी वन अपॉन टू रूट टू माइनस वन। तो ये हमारे पास में आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है आपके पास में अगर दो ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन के बीच में रखा हुआ है और दोनों ग्राउंड कनेक्टिंग प्लेन जो है वो 90 डिग्री एंगल पर रखे हुए हैं, देन उस केस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी ऑफ चार्ज कॉन्फिग्रेशन और कैलकुलेट फोर्स ऑन हमने जो है यहाँ पर प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज पे कैलकुलेट किया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, इमेज चार्ज कॉन्फिग्रेशन से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, या फिर आप जैसे अगर आईआईटी जेईई और नीट की अगर एग्जाम करते हो देन ये जो इमेज चार्ज वाला जो कॉन्फिग्रेशन है इस तरीके से आप जो है जल्दी जो है आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज का ही लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।